ताळ्यांच्या गजरात आपण माननीयांचं स्वागत करूया। यानंतर लगेचच राजीवजी दीक्षित हे आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करतील। मी त्यांना प्रतिष्ठानच्या वतीने नम्र विनंती करते की आपण आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी। भैया स्वर्गीय श्री झूमरलाल जी खटोड़ सामाजिक प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित इस भव्य कीर्तन कार्यक्रम में आए हुए बीड के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मैं बहुत आभारी हूँ आयोजन समिति का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आपके सामने संवाद करने का मौका दिया। मैं आप सभी बीड के नागरिक बंधुओं से इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि बहुत अच्छे से मराठी भाषा नहीं बोल पाता, इसलिए हिंदी में बात करता हूं। मेरी हिंदी बहुत सरल आसान होगी, आपको समझ में आएगी। मैं मराठी भाषा पढ़ता हूं, मराठी भाषा आप बोलें तो पूरा समझता हूं, बोलने का अभ्यास थोड़ा कम है इसलिए हिंदी में बात करता हूं। मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं वो स्वदेशी से संबंधित चिकित्सा का विषय है। हमारे अपने जीवन में विभिन्न तरह की जो बीमारियां आती हैं, जो रोग आते हैं, इन रोगों को ठीक करने के लिए हमारे स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषधियां हैं जो संपूर्ण स्वदेशी हैं, निरापद हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और बहुत सस्ती हैं। ऐसी कुछ स्वदेशी औषधियों के बारे में मैं आपको माहिती देने के लिए आया हूं।